दोस्तों लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो। हमारे एक दर्शक ने तीन तलाक पर प्रश्न पूछा है। तीन तलाक पर उनका प्रश्न यह है कि जो सरकार अभी जो सरकार ने यह घोषणा की और सभी राज्यों को अपने घोषणा के विषय में बताया है कि केंद्र सरकार तीन तलाक के ऊपर एक ड्राफ्ट लेकर के आ रही है, लॉ ड्राफ्ट लेकर आ रही है, उस पर सभी स्टेट अपनी सहमति जताएं। केंद्र सरकार जो चाह रही है कि जो भी व्यक्ति अब तलाक देगा उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो हमारे दर्शक ने पूछा है कि क्या यह कानूनी रूप से केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, क्या यह करना वैध होगा, इस पे क्या इसके बारे में पूरी जानकारी दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए 3 तलाक हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा था और जब से सरकार ने अदालत में एक महिला गई और महिला के अदालत में जाने के बाद से इस पर सुनवाई हुई, हमारे अभी के वर्तमान केंद्र सरकार ने कहा कि महिलाओं के साथ जो है केंद्र सरकार है, उसके बाद से यह देश में बहस का मुद्दा बन गया और सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि यदि 3 तलाक को समाप्त किया जाता है तो यह एक शरीयत का उल्लंघन होगा जो मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा माना जाता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट जो 3 जजों की बेंच थी उसमें से 2 जजों ने स्पष्ट कह दिया कि 3 तलाक को समाप्त किया जाता है, यह महिलाओं के अधिकार का हनन करता है। अब उसी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी कॉन्टेक्स्ट में केंद्र सरकार एक कानून ड्राफ्ट की है और सभी राज्यों के पास केंद्र सरकार ने उस कानून को भेजा है और जो सिविल सोसाइटीज़ या मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें से कई राज्यों ने, यूपी सबसे पहला राज्य है जिसने अपनी सहमति जता दी है उस ड्राफ्ट को लेकर के, जबकि दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना अलग अलग है कि सरकार कानून तो लेकर के आए लेकिन जो 3 साल के कारावास का प्रावधान है वो ना लेकर के आए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया है कि 3 तलाक अवैध है और गैर कानूनी है, तो स्वाभाविक है अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हो तो उस पर सजा भी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर सरकार कोई कानून लेकर के आ रही है तो ये बिल्कुल विसंगतिपूर्ण नहीं है, सही है। अगर 3 तलाक किसी भी मुस्लिम महिला को दिया जाता है तो उसके लिए वो न्यायालय जा सके और अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कर सके, यह आवश्यक है। अगर सरकार कानून लेकर के आती है तो ये IPC की धारा के तहत एक कानून बन जाएगा और पनिशेबल कानून बन जाएगा जिसमें सजा का भी प्रावधान होगा। धन्यवाद।